जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद अगस्त के अराउंड मिड अगस्त में कभी भी शुरू हो सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों को डाउट है अपने एडमिट कार्ड को लेकर। तो देखिए, आपके एडमिट कार्ड्स आने हैं पर थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अभी डेट शीट भी नहीं आई है, काफ़ी बच्चों को डेट शीट का भी इंतज़ार है। तो अभी डेट्स नहीं पता है कि एग्ज़ाम आपसे कब से शुरू होने हैं, जब भी शुरू होंगे पता चल जाएगा, ठीक है। डेट शीट आ जाएगी और एडमिट कार्ड भी आपके तभी आ जाएंगे। तो ये जो आपका रोल नंबर है ना वेबसाइट पर, काफ़ी बच्चे इसको ढूंढ रहे हैं अपना, ये इस वेबसाइट पर है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे रोल नंबर फाइंडर है, ठीक है। इस रोल नंबर फाइंडर में अगर आप जाएंगे तो ये ऐसे खुल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, तो आप जिस भी क्लास में, टेंथ में टेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्वेल्थ में ट्वेल्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम लिखना है, स्कूल कोड लिखना है। तो ये रेगुलर वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे रेगुलरली एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट वालों के लिए ज़रूरी नहीं आपको ये करना, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड तो आएगा ना, रेगुलर वालों को एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने उनको ये ऑप्शन दिया ताकि वो अपना रोल नंबर देख सके, उनका रोल नंबर क्या है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आएगा नहीं, तो अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, तो रोल नंबर देख कर अपने चेक कर लेंगे। तो आपका एडमिट कार्ड तो आना है, तो आपको रोल नंबर पता चल जाएगा। अच्छा, काफ़ी बच्चों को डाउट है कि हमारा स्कूल कोड क्या होता है। स्कूल कोड होता है प्राइवेट वालों का 5x9, ठीक है। 5x क्या होता है, 9 ऐसे लिख देते हैं। ये आपका स्कूल कोड होता है, ठीक है। अपना नाम आपको पता ही है, फादर नेम मदर नेम। तो ये चीज़ जो है, ये मेरे हिसाब से आपको करने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट वाले बच्चों को। आपका एडमिट कार्ड तो आना ही है, और एडमिट कार्ड से पहले डेट शीट भी आ सकती है। उम्मीद है डेट शीट पहले आएगी, एडमिट कार्ड बाद में आएंगे जैसा उम्मीद है। अगर पहले जाते तो बात की बात है, पर जहाँ तक लगा है हमें पता है कि डेट शीट पहले आती है, क्योंकि एडमिट कार्ड पर आपकी डेट्स भी लिखी होती हैं, एग्ज़ाम किस दिन है ये तो लिखा रहता है, किस डेट पर है ना, शायद ये लिखा रहता है, आई थिंक, हाँ लिखा रहता है। तो पहले डेट शीट आएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करें, पहले डेट शीट आने दें, उसके बाद जैसे एडमिट कार्ड आएंगे आप सभी को पता चल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके एग्ज़ाम होने हैं। एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं, ऐसा नहीं है किसी मेजर वगैरह कुछ नहीं है, सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, पुराने पैटर्न पर होंगे। 30% रिड्यूस सिलेबस आएगा सभी प्राइवेट वाले बच्चों का, ठीक है।